आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनवरी 2024 में टॉप 5 फोन के बारे में जो कि लॉन्च हो चुके हैं। तो चलो अपने सबसे पहले नंबर पर है इस मंथ का सबसे पॉपुलर फोन, जी हाँ सैमसंग यस सीरीज का S24 अल्ट्रा फोन। ये अभी जनवरी में लॉन्च हुआ है जिसका डिस्प्ले 6.8 इंच का है और QHD डिस्प्ले मतलब कि फुल HD से भी ऊपर का स्क्रीन इसमें आपको मिलेगा। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 का पावरफुल प्रोसेसर मिल जाएगा जिससे आप एकदम मक्खन गेमिंग कर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। फ्रंट कैमरा आपको 12 मेगापिक्सल का है और मेन कैमरा जो है 200 मेगापिक्सल का आपको मिल जाएगा। सो नो डाउट पिक्चर एकदम ऑसम आने वाली है और वही 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है विथ 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल जूम कैमरे के साथ। स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज और उसी के साथ 256 और 1 TB वाला स्टोरेज भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। सैमसंग S24 अल्ट्रा मेन आपको AI की काफी सारी फीचर्स भी अवेलेबल है जो कि एकदम ऑसम होने वाले है जिसका रिव्यू आपको इसी चैनल पे कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। सो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर प्राइस की बात करें तो 1,30,000 से इसका शुरुआत हो जाता है, वैसे डिस्काउंट लेके ऑफर लेके आप इसकी प्राइस को कम में भी आप इस फोन को ले सकते हैं। हमारा सेकंड फोन है Vivo X100 Pro जो 6.7 इंच डिस्प्ले के साथ आता है विद फुल HD प्लस डिस्प्ले। प्रोसेसर MediaTek Dimensity 7200 चिपसेट है जो गेमर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हो सकता है और ये आपके फोन की परफॉर्मेंस को भी बहुत ही ज्यादा स्मूथ कर देता है। एंड उसकी के साथ फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है और मेन कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल का है विद 3 मोर पावरफुल कैमरा सेटअप के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। एंड जी हाँ, हर वीवो फोन की तरह इस फोन की कैमरा क्वालिटी बहुत ही बेस्ट है गाइस आपको प्रोवाइड करेगा। एंड स्टोरेज की बात करें तो 16 GB रैम के साथ 512 GB का स्टोरेज आपको मिल जाएगा। बैटरी इसमें 5400 mAh की मिलेगी विथ 120 W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। इसका प्राइस आपको 89,999 rupees का पड़ेगा, पैक ऑफर ऐड करके और भी सस्ता मिल जाएगा। हमारा थर्ड फोन है OnePlus 12 जो कि अभी 23 जनवरी को लॉन्च हुआ है और ये आपके 6.8 इंच की लॉन्ग डिस्प्ले के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट के आपको मिलेगा। कैमरे की बात करें तो 50 मेगापिक्सल रियर कैमरा इसमें दिया गया है विद 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरे के साथ। आजकल तो पता नहीं कितने सारे कैमरे एक ही फोन में मिलने लग गए हैं भाई साहब, बट मर्जी कहो कैमरा एकदम बढ़िया जबरदस्त है भाई। परफॉर्मेंस का तो क्या ही कहना, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 पावरफुल प्रोसेसर मिलेगा जो आपकी फोन की परफॉर्मेंस को बहुत ही स्मूथ कर देगा, कोई हीटिंग इशू भी आपको नहीं मिलेगा। 5400 mAh की बैटरी बैकअप भी आपको इसमें मिल जाएगी 100W का फास्ट चार्जिंग के साथ जो आपके फोन को सिर्फ 26 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। तो ये ओवरऑल फोन बहुत बढ़िया है जिसकी प्राइस आपको लगभग 70,000 में मिल जाएगा। हमारी लिस्ट का फोर्थ फोन है Redmi Note 13 Pro Plus एंड इसका डिस्प्ले साइज हमको मिल जाता है 6.6 इंच का और उसी के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। प्रोसेसर भी काफी तगड़ा है जो कि MediaTek Dimensity 7200 अल्ट्रा चिपसेट के साथ आपको मिल जाता है जिससे गेमिंग में तो एकदम मजा ही आ जाएगा। और इसके दो और फोन भी है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 60 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है और बैक कैमरा 200 मेगापिक्सल का है और एक कैमरा 2 मेगापिक्सल का आपको मिलने वाला है। स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर दो वेरिएंट में मिल जाता है 8 GB रैम और 12 GB रैम के साथ और उसी के साथ स्टोरेज जो है 256 GB और 512 GB का वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है। बैटरी इसमें आपको मिल जाता है 5000 mAh का और उसी के साथ 120Hz का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको इसके अंदर मिल जाएगा और आपको मिल जाएगा 31,000 और 32,000 के अराउंड आपको ये फोन मिल जाएगा। हमारे लिस्ट का 5 नंबर का फोन है Poco X6 Pro, एक बहुत ही शानदार फोन है जिसका डिस्प्ले साइज 6.6 इंच का है और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आपको ये देखने को मिल जाता है। इसका प्रोसेसर भी भाई एकदम खतरनाक है जो कि MediaTek Dimensity 8300 का मिलेगा जो कि काफी ज्यादा तगड़ा चिपसेट है। ये आपके फोन की परफॉर्मेंस को बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनाने में हेल्प करता है। इसमें आपको 5000 mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ मिलती है और कैमरे के ओवरव्यू करें तो भाई इसके अंदर 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा विद 2 मेगापिक्सल माइक्रो कैमरा के सेटअप के साथ और आपको इसमें 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज मिल जाएगी। और इन माय ओपिनियन इसका प्राइस भी बहुत ही सही है यार, मतलब 29,000 के अंदर ही आपको ये देखने को मिल जाता है। मैं ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता तो
इस फोन को मैं आपके लिए सजेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप गेमिंग और कैमरा के लिए फोन देखना चाहते हो तो ये फोन के लिए आप जा सकते हो। तो गाइस, आपके पास कौन सा फोन है? अगर आप गेमिंग करते हो तो कौन से फोन से करते हो? और अगर फ्यूचर में आप इन 5 में से कौन सा फोन लेना चाहोगे तो जरूर कमेंट करके मुझे बता देना। तो चलो, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टाटा।